28 अप्रैल शनिवार को महर्षि वाल्मीकि वार्ड चिल्ड्रन पार्क दमुआ में ऑल इंडिया SC/ST/OBC एम्प्लॉयज काउंसिल ने 28 जोड़ों का एक साथ निःशुल्क सामूहिक विवाह भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की 127वीं जयंती के उपलक्ष्य पर संपन्न कराया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दिलीप हाथीबेड, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग सदस्य, भारत सरकार नई दिल्ली तथा विशिष्ट अतिथियों के रूप में विधायक नथन शाह, उदय कावले क्षेत्रीय महाप्रबंधक, वे कोली पाथाखेड़ा क्षेत्र, पीके चौधरी महाप्रबंधक कन्हान, सुहाग चंद्र पंड्या महाप्रबंधक पेंच, एलपी इंदुरकर कार्मिक प्रबंधक कन्हान, सुवेग पवार वरीय अधिकारी कार्मिक, संपर्क अधिकारी SC/ST/OBC सेल कन्हान, BN बर्डे अध्यक्ष SC/ST/OBC काउंसिल नागपुर और कार्यक्रम अध्यक्ष ललन राम अध्यक्ष SC/ST/OBC काउंसिल कन्हान उपस्थित थे। समिति के सदस्यों ने बताया कि 35 जोड़ों ने पंजीयन कराया था, लेकिन 28 जोड़े ही उपस्थित हुए। कार्यक्रम 2 घंटे देरी से प्रारंभ हुआ। इंदिरा चौक शांति लाए अंदमुआ से सभी 28 दुल्हे सामूहिक रूप से बारात बैंड बाजे के साथ निकालकर पंडाल में पहुंचे, जहां बारातियों का स्वागत जोरदार किया गया। उसके बाद मुख्य अतिथियों ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के छाया चित्र के समक्ष माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित किया। हमारे जो बाराती और बाराती आए हैं बाजे गाजे से, उनसे कह रहे हैं कि अपना बाजा बंद कर ले। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ बताया था और आमंत्रित किया था, मैंने कल्पना भी नहीं करी थी कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के हम आई डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों में हमारे कार्यकर्ता इतनी कसौटी में खड़ा उठाएंगे। सच्चाई अगर देखा जाए तो कितने सौभाग्य की बात है कि आज की तारीख भी 28 और जोड़े भी 28 और साथ ही साथ वही बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में नहीं तो पूरे वर्ल्ड में अपना लोहा। मंच के एक ओर वर वधु और दूसरी ओर अतिथि बैठे थे। तत्पश्चात बौद्ध पद्धति से सभी 28 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। अतिथियों द्वारा उद्बोधन और वर वधु को आशीर्वाद दिया। काउंसिल द्वारा उपस्थित लोगों के लिए स्वल्प आहार एवं भोजन की व्यवस्था की गई थी। दमुआ से कैलाश पाटिल की रिपोर्ट, SCN न्यूज। और